बोलना ना, मैंने इस घर का सिर है, ब्रश लेके आ रखा ब्रश करने के लिए बिना कॉलगेट के। और अब हम आए हैं तो इसलिए मामी जी बना रही है हमारे लिए पत्तियूड़। ये देखिए, ये पत्ता आपने भी देखा होगा, तो इससे बनाएंगे हम अपने लिए पत्तियूड़। हम नहीं, मामी जी बनाएंगे हमारे लिए पत्तियूड़। ये बोलते के, इस पत्ते को बोलते क्या है? पिड़ाऊ। हिंदी में भी बोलते कुछ? अरबी का पत्ता है। अरबी का पत्ता है, कताना अलग करते हैं, उसका इस तरीके से पत्ते इकट्ठे करते हैं, एंड आगे की प्रोसेस अब मामी बताएंगी हमें। तो अभी रात के 9:15 बज चुके हैं, एंड यहाँ पे बन रही है रात की रोटियाँ। ये मेरी छोटी बहन भाई है, मोनिका बहन बना रही है क्या रोटियाँ, और मामी जी बना रही है पत्तियूड़। इसके लिए स्पेशल आया मैं यहाँ पे देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। ये बन रहा है पत्तियूड़, तड़का मार रहे हैं इनपे। गाँव में ये चीज सबसे बढ़िया लगती है रात के टाइम पे ना, ऐसे बाहर पे बैठे हुए मस्त। शहर में क्या होता है, गर्मी होती है और सब घर के अंदर घुसे पड़े हैं, पंखे चल रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल कोई फैन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे बैठे मस्त गप्पे मार रहे रात 9, 10, 11, 12 बजे तक। अभी तो पता नहीं 12 बजे तक गोष्ठी भी लगेगी। हाँ, उसे चुगली भी कह सकते हैं। और ये मामी अब बांटने के लिए आई है, हमारे दो होनहार बालक बैठे हैं, इनको देंगे। ये देखो, ये मरीज देख रहे हो, मरीज अब मरीज खड़क सिंह ब्लॉग में नाम आ जाएगा मेरा, खड़क सिंह। मेरे से मेरे डबल माइक पर काम करा रहे। और ये अब हम सबका हो चुका है डिनर टाइम, जिसमें हमारे पास दाल, घी, करेले की सब्जी और रोटी सबसे ज्यादा खा रही दीदी। अरे मामी जी अभी सबके लिए खाना रख रहे हैं, तो अभी वो नहीं खा रहे। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, एंड अभी हम हैं नानी जी के गांव में, एंड मैं, दीदी और हमारी छोटी बहन करिश्मा, तीनों के तीनों जा रहे हैं अभी धारे में पानी लेने। और मैं लेके जाऊंगा इतना बड़ा बर्तन ये, और वो लेके जाएगी छोटा सा बर्तन, ठीक है। और अभी आपको दिखाएंगे यहाँ का धारा कैसा है, मस्त। बोल रहे कि बहुत स्लिपरी हो रखा है, कि क्या कह रहे कि बहुत स्लिपरी हो रखा है, तो बाकी अभी चलते हैं देखते हैं कितना स्लिपरी हो रखा है, गिर के देखते हैं, फुट्टी रड़ाते हैं जरा। ये हम पहुंच चुके अपने गांव के धारे में, यहाँ पे पहले ना ये बड़ी सी डिग्गी हुआ करती थी जिसे हौज भी कहते हैं, एंड यहाँ पे पानी भरता था और उसके बाद यहाँ पे लोग नहाते थे इस वाले पे। अब तो खैर पूरा लेंटर पड़ गया, इस पे सीमेंटेड हो गया, बंद हो गया। क्या क्या बोला? कौन सा घर? अच्छा, पूजा होती है यहाँ पे अब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूजा होती है, मैं जानता नहीं ज्यादा इस बारे में, बट यहाँ पे पूजा होती है। एंड ये गांव का धारा, और पहले यहाँ पे से भरना स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर यहाँ से भरते हैं। भर गया, उठा 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 अपनी गगरी उठा। शाबाश बहना, मेरा भी बर्तन भर दे। मोनिका जी आ रही थी, लेकिन क्या हो गया कि सुबह सुबह की मम्मी की मेहंदी लगा रही है, तो अभी वो वहीं रुक गई। अब हम घर चले जाएंगे, वो बाद में आएगी, फिर बोलेगी चलो चलो हमारे साथ, तो इसलिए अभी एक आवाज़ मारूंगा यहाँ से, आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे अच्छा फायदा है
घर वहाँ पे है, पेड़ के पीछे घर है, ठीक है। और यहीं पे क्या है हमारा, ये पानी भरने का धारा यहीं पे है जस्ट, जादू। और बेकार ये है कि सबसे अकेले में घर है यहाँ पे, मीन्स फिर अगल बगल कोई घर नहीं है, सीधे उतनी ऊपर है वहाँ पे घर, बस ऐसे ही है यहाँ पे। और वैसे नीचे भी गाँव है, कोई दूसरा गाँव है पर काफी नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे अकेला सा इसलिए थोड़ा बेकार लगता है, बाकी व्यू तो इतना बढ़िया है कि क्या बोलना। एंड अभी कोहरा छा गया ना तो इसलिए सही से दिख नहीं रहा। और ये हमारे सीढ़ीदार खेत है, और ये मेरी नमूनी सिस्टर भी आ चुकी है अपना बर्तन लेके, और हमारी सबसे छोटी बहन बेचारी एक करके हमारे बर्तन भर रही है। सारा काम नहीं है यार, पता ही क्या है, वहां पे हमें डर है हम गिर जाएंगे, इसलिए हम तेरे को बोल रहे भाई तू कर ले, तेरी खुट्टी रोड़ेगी तो कोई बात नहीं। ये है मैंने कहा वो अरबी के पत्ते जिनसे हमने सुबह पिंडालू बनाया, पिंडालू कहते हैं लेकिन हमने क्या बनाया था, वो पत्यूड़ बनाया था इससे। अब बहन ले देख लिया। और ये हमने हमारा हन्नी बंगार भी आ गया बिना मुंह धुले हुए सुबह सुबह। और भैया हम देंगे ये, कैसे हो इसको हम देंगे ये, कैसे हो? ये यहाँ का शेर है भाई, इस घर का शेर है ये, देखो जरा दिखने में क्या है, मच्छर जो दिखने में मच्छर है बट है शेर। बोला ना मैंने इस घर का शेर है, ब्रश लेके आ रखा ब्रश करने के लिए बिना कॉलगेट के। हनी हनी कहाँ है कॉलगेट, का कॉलगेट गए। फिलहाल नीचे आते आते दीदी को फील हो गया कि वो सबसे बड़ी है, इसलिए उसने सोचा चलो गागर उठा ही लेती हूँ। वो ना एक 5 लीटर का बर्तन लेके आ रही थी। हन्नी दिखा रहा है मुझे एक